अब की बार किसके साथ नीतीश कुमार? जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। माना जा रहा है कि 8 जून को नई सरकार का गठन हो सकता है, प्रधानमंत्री पद की ताजपोशी हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद सियासी हालात एकदम बदल गए हैं। 10 साल में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिस वजह से इस बार वो पूरी तरह से अपने एनडीए पर ही निर्भर है। लोकसभा चुनाव के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक राजनीतिक गठबंधन बहुमत पाने के बावजूद सरकार बनाने की स्थिति में पूरी तरह से भरोसे में नहीं दिख रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा गठबंधन है वो बहुमत हासिल नहीं करने के बावजूद भी सरकार बनाने की कोशिशें बड़ी तेजी से कर रहा है। इसकी बड़ी वजह कोई एक्स फैक्टर या वाई फैक्टर या फिर एम वाई फैक्टर नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी वजह है एन फैक्टर। एन फैक्टर यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। आज ये दो चेहरे सबसे बड़ी सियासी मंजिल को पाने के लिए किंग मेकर की भूमिका में हैं और यही कामयाबी की सीढ़ी भी है। तभी बड़ी बड़ी पार्टियों के किंग इनकी तरफ आतुरता से तो कभी कातरता से निहार रहे हैं। दुहाई दी जा रही है कि नीतीश सबके हैं, क्योंकि यही नारा उन तमाम पोस्टरों में चस्पा हुआ था जब नीतीश कुमार पिछली बार आरजेडी से अलग होकर वापस बिहार में एनडीए में जुड़े और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब यही पोस्टर वायरल हो रहा है। दरअसल बिहार में चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, बिना नीतीश कुमार के सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, सरकार नहीं बनाई जा सकती, सरकार नहीं चलाई जा सकती। नीतीश कुमार अगर लालू यादव के साथ रहे तो बिहार में आरजेडी की सरकार रही, नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ आए तो 2005 में बीजेपी की सरकार बनी। फिर 2015 का वो वक्त भी था जब लालू यादव के साथ जुड़ गए और आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बिहार में बनी। खास बात ये थी कि 2014 में केंद्र में मोदी लहर में बीजेपी की सरकार बनी थी, इसके बावजूद बिहार के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का असर नहीं पड़ा। इसके बाद 2017 में नीतीश कुमार ने लालू की लालटेन की लौ धीमी कर दी और उनका साथ छोड़कर दीवारों पर कमल की तस्वीरें बनाने लगे। बिहार के साथ उनका यह साथ 2022 तक रहा और फिर वो वापस आरजेडी के साथ हो लिए। बिहार में वो सीएम तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे। नीतीश कुमार नहीं, इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन का आयरन डोम तैयार किया, लेकिन इंडिया ब्लॉक में उनको संयोजक बनाने को लेकर जिस तरह का माहौल देखा, कई पार्टियों में असहजता देखी गई, उनको लेकर एक आम सहमति, आम स्वीकार्यता नहीं बन सकी। उन हालातों में नीतीश ने खुद को सहज नहीं पाया, असहज पाया, जिसके बाद फिर एक बड़ा फैसला ले लिया और एक बार फिर वो इंडिया छोड़कर एनडीए में वापस आ गए। बिहार में फिर नीतीश की सरकार हो गई, नैया में बीजेपी की पतवार हो गई। हालांकि एनडीए के साथ भी उनका रिश्ता साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही टूटा था। बीजेपी ने जब पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था तब नीतीश कुमार ही एनडीए के कुनबे से अलग हो गए थे, लेकिन किसी समय वो खुद भी एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रेल मंत्री भी हुआ करते थे। तो बहरहाल अब नीतीश सबके हैं और इस पोस्टर से थोड़ा डर एनडीए को भी ज़रूर लग रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पर इंडिया ब्लॉक की नज़रें टिकी हुई हैं और ऐसा लगता है कि नीतीश को इंडिया के ब्लॉक में लाने की जिम्मेदारी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद ले रखी है। तभी दिल्ली में इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली आए उनके बेटे तेजस्वी यादव भी नीतीश वाली ही फ्लाइट से दिल्ली पहुँचे। दोनों साथ साथ फ्लाइट में दिखे, आगे पीछे बैठे दिखे, तस्वीरें भी उनकी मुस्कुराते हुई सामने आईं। अब जो जानकार हैं या राजनीतिक पंडित हैं वो उन तस्वीरों का अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी अब वायरल हो रही है क्योंकि जो सियासी माहौल है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी और इसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू। नायडू की पार्टी को 16 सीटें मिली हैं और इन 16 सीटों को जीतने के बाद वो एनडीए में दूसरी बड़ी पार्टी बन चुके हैं। टीडीपी भी 2019 के लोकसभा चुनाव तक यूपीए के साथ थी और अब इस साल फरवरी में एनडीए से जुड़ी है।
चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले 1996 में एनडीए में शामिल हुए थे और एनडीए के संयोजक भी हुआ करते थे। आईटी गवर्नेंस के वो अग्रणी नेताओं में से एक थे, लेकिन अब इन्हीं दो चेहरों पर इंडिया ब्लॉक बड़ा दांव खेलना चाह रहा है। इनके कंधों पर एनडीए की इमारत टिकी है। ज़रा भी ये दाएं बाएं हुए कि बीजेपी का सपना चकनाचूर हो सकता है। हालांकि पीएम मोदी कॉन्फिडेंट हैं, आंध्र में बीजेपी और टीडीपी का टूट रिश्ता है, लेकिन उधर विपक्ष चुनाव में तगड़ी वापसी करने के बाद अब अपना पूरा का पूरा जोर, पूरा वक्त, पूरा ध्यान, पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर लगा रहा है, इस उम्मीद से कि कभी तो इंडिया का भी नंबर आएगा। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।